तो पहुंच गई मैं मौवाकोट, जहाँ पे होता है गेंद का मेला। और यहाँ की स्थिति भी कुछ खास नहीं है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी आया था और ये पूरा यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी यहाँ पे भी, और यहाँ पे काम भी चल रहा है। और तो देखिए दोस्तों, धीरे धीरे काफ़ी तेज़ नदी का बहाव होते जा रहा है, तो आप इस रास्ते भी आए तो सावधानी से आए। तो देखिए दोस्तों, ये बाहुबली चढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये सामने आपको पुल दिख रहा होगा, तो फिलहाल ये भी खतरे में है। ये पुल भी बहुत ही ज़्यादा डगमगा रहा है, और पुलिस वाले, अभी हम वहाँ पे गए थे तो पुलिस वाले ने हमको वहाँ से हटा दिया कि पुल के सामने खड़ा नहीं होना। तो जैसे जैसे गाड़ियाँ आ रही है, जा रही है, दो चार गाड़ी, तो पुल बहुत ही ज़्यादा हिल रहा है, तो क्या कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इसके ऊपर है रामड़ी पुलिंडा गौजट गांव, और जब भी वहाँ बारिश होती है या बादल वगैरह वहाँ फटते हैं तो इस नदी पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इस तरह चल रही है यहाँ पे गाड़ियाँ, और अभी एक ट्रक आया तो पुलिस वालों ने वहीं पे ट्रक रोक दिया, ट्रकों को माल लेके नहीं आने दे रहे इस रास्ते। तो देखिए दोस्तों, इस रास्ते गाड़ियों का कैसे आना जाना हो रहा है, आप देख सकते हो। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ममता रावत देवभूमि उत्तराखंड से आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, और आज फिर अपने न्यू ब्लॉग के साथ। दोस्तों कैसे हो, आई होप ठीक होंगे, हम भी यहां पे स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और आज का ब्लॉग होता है मेरा सत्ती चौड़ से स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, नदी में अभी जेसीबी ने थोड़ा बहुत काम किया और अब लग गई बारिश, तो थोड़ा जेसीबी इधर आ रही है रास्ते में, तो आप देख सकते हो किस प्रकार हर जगह तबाही मची हुई है, और यहाँ पर भी ऊपर थोड़ा सा ख़राब हो रखा है रास्ता। और पिछले साल इसी नदी में इस ऊपर से बादल फटा था, और ये भयंकर रूप, रौद्र रूप रखा था इस नदी ने। तो ये देखिए यहाँ से निकल रही है जेसीबी। दोस्तों आ गई जेसीबी नीचे से, मैं मौवाकोट जहाँ पे होता है गेंद का मेला। और यहाँ की स्थिति भी कुछ खास नहीं है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी आया था, और ये पूरा यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी यहाँ पे भी, और यहाँ पे काम भी चल रहा है। और पूरा ग्राउंड देखिए किस तरह ख़राब हो गया है, और यहाँ पे मिट्टी पत्थर बहुत सारे आ रहे हैं, तो यहाँ पर काम लग रखा है। तो यहाँ तो ये देखिए दोस्तों, मौवाकोट जहाँ पर गेंद मेला होता है वहाँ की स्थिति कुछ खास नहीं है, यहाँ भी बारिश का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रखा है, और यहाँ का मैदान भी बहुत ही गंदा और ख़राब हो गया, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी बाढ़ आ चुकी थी। तो ये देखिए, और आगे देख सकते हो आप किस तरह यहाँ पे काम चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो कर्णाश्रम का ये रोड बनने स्टार्ट हो गई है, और जैसे ही बरसात लगी वैसे ही ये रोड स्टार्ट हो गई है। तो फिलहाल तो इसमें काम चल रहा है, और ये यहाँ पे आ रखे हैं ब्लॉक, तो ब्लॉक वाली सड़क बन रही है कर्णाश्रम के लिए। तो अब जो परसों कंडी वाला जो पुल टूटा था, मौवाकोट और हल्दूखाता वाले जो भी लोग हैं, तो वो अभी इधर से ही आना जाना कर रहे हैं। और ये सामने का व्यू, दोस्तों ये है कर्णाश्रम वाला रास्ता, और जो मौवाकोट का पुल टूटा था, अब यहीं से ही वो उन लोगों का आना जाना है, हल्दूखाता मौवाकोट सभी जगह से इधर से ही आ रहे लोग, मौवाकोट हल्दूखाता किशनपुर की करल घाटी, और ऑटो भी इधर से ही लग रहे हैं। कनेक्टिविटी अब इधर की ही है, और जगह से तो है नहीं, तो फिलहाल तो इसी रास्ते आना जाना हो रहा है लोगों का। तो देखिए आप सामने देख सकते हो ऑटो वगैरह आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पहुंच चुके हम कर्णाश्रम, यहाँ की स्थिति भी कुछ खास नहीं है, और यहाँ पे ये जो सामने आप पुल देख रहे हो ये काफ़ी हिल रहा है, और अभी पुलिस वाले भैया बोल रहे हैं कि इधर मत जाओ, क्योंकि ये पुल भी अभी खतरे की निशानी में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, सामने नदी का बहाव बहुत ही तेज़ होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी और ऊपर पहाड़ियों में भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और बारिश के कारण नदी का बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अभी यहाँ पे ऊपर बादल भी फटा था ऊपर कहीं गांव में, तो वहाँ का पूरा बहाव यहाँ नीचे आया था, तो कर्णाश्रम भी खतरे के निशाने पे तो है। तो ये देखिए दोस्तों, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, और काफ़ी तेज़ नदी का पानी
भर गए हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और अभी जो ये अपने मार्ग वाला पुल टूटा था तो उस रास्ते रास्ता बंद हो गया है, कहीं से भी कनेक्टिविटी नहीं है जाने की। तो महुआ कोट, हल्दो खासा, किशनपुरी और जो भी उधर है तो वो इसी रास्ते आ रहे हैं, और इस रास्ते आ रहे हैं तो यहाँ पे गाड़ियाँ भी इधर से ही आ रही हैं सफ़ेद, तो थोड़ा बहुत सामान भी इधर से ही आ रहा है, और बड़े बड़े ट्रकों के लिए तो इधर से अलाउ नहीं है, लेकिन छोटी गाड़ियाँ इधर से आ रही है, पैसेंजर ऑटो वगैरह सब इधर से आ रहे हैं। तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी करना पड़ रहा है क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा घूमे। तो देखिए दोस्तों, धीरे धीरे काफ़ी तेज़ नदी का बहाव होते जा रहा है, तो आप इस रास्ते भी आए तो सावधानी से आए। तो देखिए दोस्तों, ये बाहुबली चढ़ गए ऊपर, ये देखिए देखिए दोस्तों, ये सामने आपको पुल दिख रहा होगा, तो फिलहाल ये भी खतरे में है, ये पुल भी बहुत ही ज़्यादा डगमगा रहा है, और पुलिस वाले, अभी हम वहाँ पे गए थे तो पुलिस वाले ने हमको वहाँ से हटा दिया कि पुल के सामने खड़ा नहीं होना। तो जैसे जैसे गाड़ियाँ आ रही है, जा रही है, दो चार गाड़ी, तो पुल बहुत ही ज़्यादा हिल रहा है, तो क्या कर सकते हैं। अब मेरे को ये लग रहा है कि कोटद्वार की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है और होने भी वाली है, ये वाला पुल भी जाने वाला है। तो फिलहाल तो आप यहाँ नदी का व्यू देखिए, और नदी में काफ़ी तेज़ बहाव आ गया है क्योंकि ऊपर गांव में बारिश हो रही है, और यहाँ पे तो झरना था जो, तो वो झरने का तो पता ही नहीं चल रहा, आ गया है ऊपर से मलबा बहुत ज़्यादा आ गया है, ऊपर बहाव ज़्यादा, पानी का बहाव ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा मलबा आ गया है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोग टूरिस्ट वगैरह लोग जो आते हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, तो यहाँ पे गर्मियों के टाइम नहाने के लिए आते थे, तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा झरना था, तो ये झरने का तो क्या हाल हो गया। और देखिए दोस्तों, इसके ऊपर है रामड़ी पुलिंडा गौजट गांव, और जब भी वहाँ बारिश होती है या बादल वगैरह वहाँ फटते तो इस नदी पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो इस बार भी यही हुआ है, तो कहीं जंगल में फटा बादल तो यहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। देखिए इस तरह चल रही है यहाँ पे गाड़ियाँ, और अभी एक ट्रक आया तो पुलिस वालों ने वहीं पे ट्रक रोक दिया, ट्रकों को माल लेके नहीं आने दे रहे इस रास्ते, क्योंकि ये पुल भी, मैंने बोला आपको बार बार क्या बोलना है, इस पुल की स्थिति भी ठीक नहीं है, तो इसलिए अभी वो ट्रक पीछे ही रोक दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी काफ़ी उजड़ बिजड़ हो रखी है, ये देखिए पूरा रौला ऊपर से आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से इधर से ही आ रही है गाड़ियाँ, और ये रास्ता भी ठीक से नहीं बना हुआ है, बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस रास्ते से भी। ये देख सकते हो आप, ट्रक वगैरह, छोटे ट्रक सब इधर से ही आ रहे हैं। तो ये सामने देख सकते हो आप, बंदर कैसे बैठ रहे। तो देखो दोस्तों, इस रास्ते गाड़ियों का कैसे आना जाना हो रहा है, आप देख सकते हो कुछ, ये देखिए गाड़ियों की कनेक्टिविटी इसी रास्ते से है, मवाकोट, हल्दो खत्ता और किशनपुरी तरंगति वाले। तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करके इस रूट से आना पड़ रहा है, काफ़ी दूर भी पड़ रहा है, पर क्या करें, आना जाना पड़ा। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय दोस्तों, मिलते हैं अपने न्यू ब्लॉग के साथ।